दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम पॉर्फिरियाज लवर। दोस्तों इस पोएम को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपना ड्रामेटिक मोनोलॉग की स्टाइल में लिखा है और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का अर्लीस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मतलब कि इसके अंदर इस पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा है। मैंने कई बार बता दिया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। दोस्तों इसको फर्स्ट टाइम 1836 में पब्लिश करवाया था, फिर इसके बाद में दो बार और पब्लिश करवाया गया था इसको। दोस्तों इस पोएम के अंदर एक मैड लवर होता है पॉर्फिरिया का, जो उसका मर्डर कर देता है। वो सब आगे हमें समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों, इसको एंड तक देखना। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की शुरुआती लिखी हुई कुछ पोएम्स में से एक है और ये पोएम भी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोएम का नाम है पॉर्फिरियाज लवर। पॉर्फिरिया यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है, एक लड़की का नाम है। तो शुरू करते हैं पोएम। द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, इस लाइन का मतलब है इट वॉज इवनिंग एंड रेन बिगन टू फॉल, बहुत ही तूफानी शाम थी वो। ये पास्ट में चल रही है पोएम, ये कोई स्टोरी बता रहा है हमको। द सलन विंड वॉज सून अवेक, यहाँ पर हवा को पर्सोनिफाई करके बोला है कि सलन विंड भी ब्लो करने लगी, बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी। इट टोर्ड द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट, इन हवाओं ने, इस विंड ने जोश जोश में एल्म ट्री के टॉप्स को तोड़ दिया, मतलब उसको नीचे ला दिया। एंड डिड इट वर्स टू वैक्स द लेक, और ऐसा ही कुछ इस विंड ने लेक को भी परेशान करने के लिए किया। वैक्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पर तंग करना। तो इन चार लाइनों में कुल मिलाकर स्पीकर हमें यहाँ पर उस शाम का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो शाम कितनी तूफानी थी। आई लिसन्ड विथ हार्ट फिट टू ब्रेक, यहाँ पर स्पीकर बोल रहा है कि मैंने ये सब आवाज़ें सुनी, मतलब ये सब आवाज़ें मुझे सुनाई दी। हार्ट फिट टू ब्रेक मतलब स्पीकर का हार्ट, मतलब हिज हार्ट अपसेट अबाउट समथिंग। व्हेन इन ग्लाइडेड पॉर्फिरिया, फिर पॉर्फिरिया अंदर आती है। इस लाइन का मतलब यह है कि पॉर्फिरिया अंदर आई। स्ट्रेट शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म, फिर पॉर्फिरिया अंदर आई इस तूफानी शाम में और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे कोल्ड और स्टॉर्म बाहर रह गए। मतलब पॉर्फिरिया यहाँ पर अंदर हुई है, स्पीकर के पास आई है। एंड नील्ड एंड मेड द चीयरलेस ग्रीट, नील्ड का यहाँ पर मतलब है कि वो अंदर आते ही उसने घुटने टिकाए, और चीयरलेस ग्रीट का मतलब उसने आग जलाई भट्टी में, ब्लेज अप, और उस आग की गर्मी से ऑल द कॉटेज वार्म, पूरा कॉटेज क्या है, गर्म हो गया। ये अभी स्पीकर कॉटेज में है, वो पूरा कॉटेज गर्म हो गया। विच डन शी रोज, मतलब ये होने के बाद, ये करने के बाद वो खड़ी हुई। एंड फ्रॉम हर फॉर्म विड्रू द ड्रिपिंग क्लोक एंड शॉल, और अपने कपड़े उतारने लगी। मतलब सबसे पहले उसने अपना क्लोक उतारा, इसका मतलब होता है दोस्तों जिससे पानी टपक रहा था। पहले तो ड्रिपिंग का मतलब है पानी टपक रहा था, ये एक रेनकोट टाइप का होता है। फिर अपनी शॉल उतारी। एंड लेड हर सॉलिड ग्लव्स बाय, और फिर अपने ग्लव्स उतारे। अनटाइड हर हैट, और फिर अपनी हैट उतारी। एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, और उसके गीले बाल नीचे गिर गए। एंड लास्ट शी सेट डाउन बाय माई साइड, और लास्ट में वो मेरे पास में बैठ गई। एंड कॉल्ड मी, और उसने मुझे कुछ कहा। व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शी पुट माई आर्म अराउंड हर वेस्ट, उसने, वेस्ट का मतलब है दोस्तों कमर, उसने मेरे हाथ को अपनी कमर पर रख दिया। एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, और उसने अपने कपड़ों में से अपना कंधा बाहर निकाला जो कि बहुत ही वाइट और स्मूथ था। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, और वो अपने बालों को खोलती है, उसने अपने बाल खोले। हैंड स्टूपिंग मेड माई चीक लाई देयर, और उस कंधे पर मेरा सर रखती है। एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर, और मेरे फेस पर उसने अपने येलो हेयर्स को बिखेर दिया। मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी, उसने बड़ी धीमी आवाज़ में मेरे कान में बोला कि वो मुझे कितना प्यार करती है। शी टू वीक फॉर ऑल हर हार्ट्स एंडेवर, लेकिन उसका ये प्यार बहुत ही वीक था, क्योंकि ये बात उसने स्पीकर से बहुत प्राइवेटली बोली थी जबकि उसे पब्लिकली बोलनी थी ये बात। टू सेट इट स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, मतलब इसलिए उसका पैशन अभी भी मेरे लिए इतना स्ट्रांग नहीं है। फ्रॉम प्राइड एंड विनर टाइज रिसेवर, मतलब इन लाइनों में स्पीकर यहाँ पर पॉर्फिरिया को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी खुद के लिए जो प्राइड और वैनिटी है उससे तुम कभी मुझे सच्चा प्यार नहीं कर पाओगी।
एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, और हमेशा के लिए कभी मुझे खुद को दे नहीं पाओगी, सौंप नहीं पाओगी। इसलिए मैं जानता हूँ कि आज तो भले ही तुम खुद को मुझे ऑफर कर रही हो, लेकिन हमेशा के लिए कभी मेरी नहीं होगी। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रवेल, नॉर कुड टू नाइट्स गे फीस्ट रिस्ट्रेन। इन लाइनों का मतलब ये है कि पॉर्फिरिया एक बहुत ही गे फीस्ट को, गे फीस्ट का मतलब यहाँ पर एक आलिशान पार्टी को छोड़कर आई है इस तूफानी रात में स्पीकर को देखने के लिए। इसका मतलब ये मालूम पड़ता है कि पॉर्फिरिया बहुत ही रिच है और शायद हमारा स्पीकर उसके बराबर का नहीं है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी इन दोनों के साथ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन। इन लाइनों का मतलब यह है कि यहाँ पर स्पीकर बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो भी प्यार है इसके लिए वो सब बेकार है, और उसका प्यार भी मुझे कमज़ोर लग रहा है। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, तो वो इस तूफानी शाम में यहाँ पर आई थी हवा और बारिश से लड़ती लड़ती। बी श्योर आई लुकड अप एट हर आइज हैप्पी एंड प्राउड, मतलब एट दिस पॉइंट मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, बहुत ही हैप्पी और प्राउड थी उसकी आंखें। एट लास्ट आई न्यू पॉर्फिरिया वर्शिप्ड मी, एट लास्ट मुझे ये तो मालूम था कि हमारे बीच में इतना फर्क होने के बावजूद पॉर्फिरिया मुझे कितना मानती थी। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल, इससे मेरा दिल फूल गया। एंड स्टिल इट ग्रू व्हाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, अब मैं खुद से ही डिबेट करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट मोमेंट शी वॉज माइन, उस वक्त वो मेरी थी, सिर्फ मेरी थी, परफेक्टली प्योर एंड गुड। आई फाउंड अ थिंग टू डू, फिर मैंने एक काम किया। एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई वाउंड, मैंने उसके बालों की एक स्ट्रिंग बनाई, मतलब जैसे हम पांसी वगैरह देते हैं तो स्ट्रिंग टाइप की बनती है। थ्री टाइम्स हर लिटिल थ्रॉट अराउंड, और उसके लिटिल थ्रॉट यानी कि गले के उसके येलो हेयर्स को तीन बार लपेटा। एंड स्ट्रैंगल्ड हर, और उसका गला दबा दिया। नो पेन फेल्ट शी, उसको कोई दर्द नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, उसको कोई दर्द नहीं हुआ, आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं उसको खोना नहीं चाहता था, तो उसे कोई दर्द नहीं हुआ होगा, आई एम क्वाइट श्योर। एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी, एक फूल की बंद कली, बर्ड का मतलब कली, जिसने एक मधुमक्खी को बंद करके रखा हो अपने अंदर। आई वेयरली ओप्ड हर लिड्स, मैंने बड़ी वेयरली मतलब सावधानी से उसकी आँखों की लिड्स यानी कि पलकों को खोला। अगेन लव द ब्लू आइज विदाउट अ स्टेन, और उसकी ब्लू आइज पर मैं हंसने लगा बिना किसी शर्म के। एंड आई अनटाइटन्ड नेक्स टू ट्रेस अबाउट हर नेक, और मैंने उसकी गर्दन से उसके बालों को निकाला। हर चीक्स वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, और फिर उसको किस किया। एंड प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बर हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल, मतलब यहाँ पर स्पीकर कह रहा है कि उसने किस तरह से उसकी पॉर्फिरिया की बॉडी को सहारा देकर उठाया। द स्माइलिंग रूजी लिटिल हेड, उसका स्माइलिंग रूजी लिटिल हेड, सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट वेल। इस लाइन का मतलब यह है कि पॉर्फिरिया की ये इच्छा थी, उसकी ये अटमोस्ट विल थी कि वो मेरे साथ रहे। दैट ऑल इट्स कॉन एट वंस इज फ्लेड, और पॉर्फिरिया को मारने का फ़ायदा ये हुआ कि वो जो जो चीज़ें पसंद नहीं करती थी उससे वो दूर हो गई। एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टेड, मतलब मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे उसका प्यार मिल गया हमेशा के लिए। पॉर्फिरियाज लव, पॉर्फिरिया का प्यार। शी गेस्ड नॉट हाउ, उसने यानी पॉर्फिरिया ने कभी नहीं सोचा होगा हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, कि कैसे उसकी ये एक विश मेरे साथ रहने की ये कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। एंड दस वी सेट टुगेदर नाउ, और अब हम दोनों साथ में बैठे हैं पूरी रात। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टर्ड, इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग बैठे रहे साथ में और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, भगवान को भी नहीं, गॉड ने भी एक वर्ड भी नहीं कहा, हमसे गॉड को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ ये पोइम ख़त्म होती है।